अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के पिटने वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, सेना पिटी नहीं है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, चीन को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए और साथ ही सेना के पिटने वाले बयान पर राहुल गांधी चारों तरफ घिर गए। और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सेना ने तवांग में अपना शौर्य दिखाया है, सेना की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो राहुल गांधी को रक्षा मंत्री का जवाब कि सेना ने तवांग में शौर्य दिखाया और इसे लेकर सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। चाहे गलवान हो तो तवांग हो, मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है, इसको सभी स्वीकार करते हैं। मैं डिफेंस के मामलों में प्रायः मेरा भी विदेशों में जाना होता है, जाता हूं तो हमारी भी वहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सभी से बातचीत होती है, मिलती है, मिस्टर बाइडेन से भी मिला। मैं कह सकता हूं कि वहां के प्रीमियर्स, वहां के हेड ऑफ द स्टेट, पहले होम मिनिस्टर के रूप में भी जाता था, मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहा हूं जिसमें अटल जी ने शुरुआत की थी यह हाईवे बनाने की, तो मैं ही मिनिस्टर बना था, उसमें भी मैं जाता था। लेकिन आज जो भारत के बारे में उनकी धारणा मैं सुनता हूं, यह और कभी कोई हेड ऑफ स्टेट यह कह देता है कि प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग वेरी हाई रेपुटेशन एमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो यह सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो आपने सुना, एकदम सधे हुए शब्दों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, ये करिश्माई था। क्या ऐसी कल्पना की जा सकती है कि 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों और हमारी सिर्फ 3 बटालियन के जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। तो इस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, दरअसल विपक्ष होने के नाते आप सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन शब्दों का चयन तो सोच समझ के कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये बात लगातार उठती है, इससे पहले भी जब जब मामला चीन से लद्दाख वाला मामला हो, चाहे अब गलवान का मामला हो, चाहे जो भी तवांग का मामला हो, हर बार ये पब्लिक के इमोशन को समझना पड़ेगा। जनता का जो मूड है ये राहुल गांधी शायद नहीं समझते हैं, या फिर सरकार को अटैक करना है, जबरदस्ती उनको घेरना है, इस वजह से इस तरह का बयान देते हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का मसला हो या चीन का मसला हो, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोगों का मूड जो है, इमोशन होता है, इनके खिलाफ होता है, क्योंकि भारत सरकार लड़ रही है उनके। वैसी स्थिति में आपको साथ देना चाहिए। और जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, आश्चर्यजनक बात यह है कि जो बात दावा चीन की सरकार नहीं कर रही है वो हमारे विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि किस जल्दबाजी में है राहुल गांधी, किस जल्दबाजी में है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि जामफेरी ब्रिज रिज तक चीन की सेना पहुंच चुकी है, जहां पहुंचना असंभव है। जो हम सेना के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, वहां की वहां पहुंचना ही असंभव है। न चीन उसका दावा कर रहा है, न भारतीय सेना कुछ इस तरह की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष अगर इस तरह की बात उठा रहा है, स्ट्रेटेजिक चीजों पर आपको घेर रहा है, उसके पास कुछ सबूत होने चाहिए। बेवजह सरकार को घेरने से कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, और धीरे धीरे चीन को लेकर चाहे पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से विपक्ष की रणनीति रही है, चाहे राहुल गांधी की रणनीति रही हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे अब कर रहे हैं, ये उनके लिए नुकसानदायक है। और ये समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चीजें जब वॉर की स्थिति में होते हैं, जब लड़ाई की स्थिति होती है, जब कहीं ना कहीं पड़ोसी आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, और जब आप अटैक कर रहे हैं, वैसी स्थिति में विपक्ष को साथ देना चाहिए, और नहीं तो कम से कम चुपचाप बैठना चाहिए। नहीं, अगर आपके पास कोई विकल्प है तो आप वो भी सरकार से साझा कीजिए ना। आपके पास कोई समाधान है या आपके दिमाग में लगता है कि मिलकर इस ओर कदम उठाना चाहिए? विपक्ष की बड़ी भूमिका ऐसे समय पर ही होती है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी आप पर उल्टा सवाल खड़े करते हैं। रवि, बने रहिए हमारे साथ। कितने सधे हुए अंदाज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया राहुल गांधी के बयान पर, सुनिए आप और क्या कहा। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है,
उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति, और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे उसे ही हम राजनीति कहते हैं। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों सब, इसका कारण उन्हें समझ में नहीं आता। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।